बच्चों को टाइम नहीं दिया, सिर्फ कमाई कमाई कमाई, बीवी की जॉब गवर्नमेंट की जॉब, बीवी की जॉब गवर्नमेंट की जॉब, डबल जॉब, छुट्टी के दिन भी जॉब, ईद के दिन भी जॉब, उनके बच्चे जाए। सिर्फ एक कौम है इंडिया से, गुजराती, गुजरात काठियावाड़। इन इस कौम को अल्लाह ने शरफ बख्शा है, ये जहां गए इन्होंने मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया, इनकी औलादें जाये नहीं हुई। सबसे ज्यादा मैंने देखा पंजाब की नस्लें बर्बाद हुई, पठानों की नस्लें बर्बाद हुई। ऑस्ट्रेलिया में हजारों घर पठानों के इस्लाम छोड़ गए, क्योंकि उनके मां बाप ने इस्लाम न बताया, न बताने के लिए कोई निजाम चलाया। बंगालियों की नस्लें खत्म हो गई, पंजाबियों की नस्लें खत्म हो गई, सिंधियों के पठानों की नस्लें खत्म हो गई। अगर नहीं खत्म हुए तो गुजराती, कि वो गरीब भी थे, उन्होंने चंदा करके पहले मस्जिद बनाई, फिर साथ मदरसा बनाया, फिर कोई ना कोई बिठाया वहां पढ़ाने के लिए, तो उनकी नस्लें हर जगह महफूज है। ये तुम्हारा देश है, यहां से वापस जाने का ना सोचो, यहां एक अच्छा इंसान बन के जिंदा रहने की सोचो, अपनी नस्लों को इस्लाम पर बाकी रखने के लिए सोचो, इसके लिए पैसे इकट्ठे करो, चंदे करो, और दयानदारी के साथ सोचोगे अल्लाह तुम्हें मस्जिद भी देगा, मदरसे भी देगा, स्कूल भी देगा, इरादे करोगे तो अल्लाह निजाम चलाएगा। फिर अपने घर को स्कूल बनाओ, घर को मदरसा बनाओ, अपने बच्चों को टाइम दो, मियां बीवी आपस में एक दूसरे को टाइम दो, इसार मोहब्बत। अगर घर को आबाद करना है तो मेरी एक नसीहत, एक मेरी नहीं मेरे नबी की है, मेरी जबान इस्तेमाल हो, मेरी जबान। आपने कहा मास मास, तुम्हें सारे दीन का निचोड़ बताऊं, सारे दीन का खुलासा बताऊं, अला उम्बे कबे मिला के हादा कुल्ले काला मा हो या रसूल अल्लाह फअहवा बे इस्माइल। तो आपने कहा मास, सारे दीन का खुलासा बताऊं, कजी क्या कफुफहादा, या कहा अमसिक हादा का माज, ये जबान ये जबान ये जबान। जो मर्द घर आबाद करना चाहे जबान पे ताला लगा दे, जो औरत घर आबाद करना चाहे जबान पे ताला लगा दे, चंद दिनों में घर जन्नत बन जाए। ना मर्द बर्दाश्त करे ना औरत, क्यों शादियों के बाद तलाकें बहुत ज्यादा यूरोप में चल रही, मुसलमानों के बच्चों में तलाक 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 तलाक, बर्दाश्त नहीं सिखाई, बर्दाश्त नहीं सिखाई, माफ करना दरगुजर करना नहीं पता, मां बाप के मकाम का नहीं पता। वस्तईनू बिसब्र वस्सला इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अलगा दो काम किया करो, जब मुसीबत आए नमाज पढ़ो, सब्र करो। फिर कहा मैं सब्र वालों के साथ हूं, ये नहीं कहा मैं नमाजियों के साथ हूं, कहा मैं सब्र वालों के साथ हूं। तो इस जबान पे काबू पा लो तो आपका घर आबाद, आपकी शख्सियत इतनी पुरकशिश हो जाएगी कि लोग आपकी तरफ खिंचेंगे। गुस्से में मुस्कुराना सीखो, कड़वाहट को मिठास से बदलना सीखो, अपनी नाक कटवाना सीखो, लोगों के आगे झुकना सीखो। अल्लाह की कसम अल्लाह तुम्हें उठा के दिखा दो। मेरे नबी ने फरमा मैं गारंटर हूं, और कहीं से लाऊं और इसके अलावा कोई और गारंटर? ये कंपनी सौदा देती है जो ब्रांडेड है तो साथ वो वारंटी देती है, तो आप मुतमिन होते हो ठीक है इसमें कोई भी होगा तो इंशाल्लाह मैं वापस दूसरी चीज मिल जाएगी। अब मैं अल्लाह के नबी से बड़ा गारंटर कहां से लाऊं? मेरा नबी कह रहा है मुझे गारंटी के लिए कबूल कर लो, तुम झुक जाओ, माफ करो। अगर अल्लाह तुम्हें, अगर तुम्हारी इज्जत फट जाए तो मुझसे आके ले ले, माफ करना सीखो, अल्लाह इज्जत बढ़ाएगा। ये एक छोटा सा खाका है इस्लाम की जिंदगी का, जो मैंने दो घंटे में आपके सामने पेश किया है। आप इसी देश के हो, इसी को देश बनाओ, आपस में मोहब्बत की फिजा कायम करो, मस्जिदें बनाओ, मदरसे बनाओ, स्कूल बनाओ, तबलीग को जिंदा करो। तबलीग वालों से कहता हूं अल्लाह से मांगो, बड़ा मरकज अल्लाह से मांगो। पानामा में गया, वहां देख के मैं हैरान हूं, छोटा सा मुल्क है, लंबाई 1000 किलोमीटर, चौड़ाई 60 किलोमीटर, कहीं 60 किलोमीटर से कम है, 60 किलोमीटर से ज्यादा कहीं भी नहीं, कम होती है ज्यादा नहीं होती। उसमें टोटल 500 मुसलमान हैं बर्रे सगीर से, और हैं सारे गुजराती, और 25 वहां पाकिस्तानी मिले, शायद एक आध कोई और हो, दो चार बंगाली मिले, और 2500 के करीब अरब हैं।
तो टोटल पानामा की आबादी 3000 3000। वो मुझे ले गए कि मौलाना आपको मदरसा दिखाना है, और पानामा सिटी से कोई 50 किलोमीटर जाकर उन्होंने मुझे मदरसा दिखाया। मैं देख के हैरान परेशान होगा कि इतने बड़े मदरसे तो पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, कोई कोई मदरसा उस लेवल का होगा। इतना बड़ा मदरसा बनाया और पूरे जनूबी अमरीका और अमेरिका के बच्चे वहां कुरान पढ़ रहे हैं। वेंजुएला की एक लड़की मिस यूनिवर्स सेलेक्ट हुई थी, उसको एक अरब ने मुसलमान किया, उसकी दावत से वो मुसलमान हुए, फिर उनसे शादी की। उस मिस यूनिवर्स के दो बेटे वहां कुरान हिफ्ज कर रहे थे, वो 60-70 बच्चा वहां पढ़ रहा था। और मैंने कहा इतने पैसे कहां से? और सारे या मुतवस्सित हैं या गरीब हैं, मतलब मालदार कोई नहीं है। हाँ, अरब मालदार हैं लेकिन वो इतने मस्त हैं कि उनको होश ही कोई नहीं। कोई हम मस्जिद बनाए, कोई मदरसा बनाए, तो अपने बच्चों के लिए। इसलिए जनूबी अमेरिका में सबसे ज्यादा अरबों की नस्लें मुर्तद हुई। तो भाइयों लंबी सोच सोचो। मस्जिद आयशा में मैंने बयान किया, तो मैंने बाहर जब निकला तो इतनी चौड़ी सड़क, तो मुझे अखलाक साहब कहने की 100 साल पुराना ये नक्शा है, 100 साल पहले उन्होंने सोचा कि आइंदा यूं होगा तो उसके मुताबिक सड़क बनाई जाए। तुम भी अपनी नस्लों को सोचो। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई 12 थे जो मिस्र में गए, जब मिस्र में गए तो 12 12, और जब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र से निकले तो 6 लाख। आज तुम थोड़े नजर आ रहे हो, कल को यही तुम ज्यादा हो। तुम्हारे ये मुस्लिम साहब बता रहे थे कि हमारी जो गोरी पॉपुलेशन है उस पर अगर हम आगे बच्चों को तकसीम करें तो 1.5 बच्चा फी घर आता है, 1.5 बच्चा। तो उनकी तो नस्ल नहीं बढ़ेगी, तुम बढ़ाओ नस्ल। कम बच्चे खुशहाल घराना नहीं होता, नेक बच्चे खुशहाल घराना होता है। बच्चे नेक हो तो 10 भी हो तो मजे हैं, और एक ही और बदमाश हो तो क्या करो, सर पकड़ के बैठोगे। बच्चियां नेक हों, बच्चे नेक हों तो रहमत, और थोड़े हों नाफरमान हों। शुक्र है हमारी अक्सर आवाम अनपढ़ है, ज्यादा वो इस चक्कर में आए नहीं, सिर्फ पढ़े लिखे लोग थोड़े से चक्कर में, या मालदार लोग आए। ये मालदार वो हो जदा ये थोड़े स्पीकर में पता नहीं क्या तुम स्पीकर में, अच्छे तुम स्वीडन के एडवांस मुल्क, तुमसे अच्छे तो हमारे पास होते। और बंद हो गई के दिन। चलो बस करते हैं, नहीं वो चलता। तो मेरे भाइयों अपने बच्चों के लिए सोचो, आइंदा नस्लों के लिए, अपने लिए सोचो कि हमने अल्लाह के दीन पर यहां जिंदा रहना है, उसके मुताबिक अपने आप को ढालना है। बड़ों के लिए तबलीग की मेहनत है, छोटों के लिए मस्जिद मदरसे स्कूल की मेहनत है, ताकि हम अपने बच्चों के लिए अपने लिए एक खूबसूरत मुआशरा कायम कर सकें जिसमें सच्चाई हो, मोहब्बत हो, उल्फत हो, हमदर्दी हो, एक दूसरे को माफ करना हो और अल्लाह के साथ सुलह हो, अल्लाह से जंग ना हो। तो इसकी सारे भाई नियत करते हो? अब बड़ों से कहता हूं कि भाई अपनी छुट्टियों की तरतीब बनाकर अपने आगे अगले महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, साल में, जो भाई 4 महीने के लिए तैयार हूं, 40 दिन के लिए तैयार हूं, गुजरात में खड़े होकर अपना दीदार करा, वो खड़े होकर अपनी ज्यारत करा दी।